छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बरसाती नाले में राशन से भरा एक ट्रैक्टर बह गया। हालांकि ट्रैक्टर में सवार ग्रामीणों ने तैरकर अपनी जान बचाई। राशन की सभी बोरियां पानी में बह गई। बताया जा रहा है कि तेज बहाव के चलते करीब 1 किलोमीटर ट्रैक्टर बह गया और आगे पेड़ में जाकर फंस गया। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित अंदरूनी और नेटवर्क विहीन इलाके होने की वजह से प्रशासन को हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई थी। वहीं किसी तरह ग्रामीणों ने प्रशासन से संपर्क कर यह जानकारी दी। तो वहीं जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम इलाके के नक्सली प्रभावित गांव सैंड्रा में यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि जब किसान जल्ला नाला को पार कर भोपालपट्टनम की तरफ गए तो उस समय नाले में थोड़ा बहुत पानी था, लेकिन शाम को ट्रैक्टर में राशन की बोरियां लेकर लौटते समय जल स्तर बढ़ गया। चालक ने कम पानी है या सोचकर ट्रैक्टर को उतार दिया, जिससे इंजन बंद हो गया और जब तक सब संभल पाते इससे पहले पानी के तेज बहाव के साथ ट्रैक्टर बह गया। हालांकि चालक समेत करीब 5 से 7 ग्रामीण ने पानी में छलांग लगाई और दूसरी ओर पहुँच गए। तो वहीं ग्रामीणों ने खुद इसका वीडियो बनाया, लेकिन नेटवर्क विहीन इलाका होने की वजह से फौरन इस हादसे की सूचना वे प्रशासनिक को नहीं दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।